यूपी के एटा में एक ट्रक ड्राइवर का गुस्सा अचानक सिपाही पर फट पड़ा। सिपाही ने उसे नो एंट्री में ट्रक ले जाने से मना किया था। बस इतनी सी जायज बात पर ट्रक ड्राइवर इतना भड़का कि 20 सड़क सिपाही पर लात घूंसे बरसने लगा। उसके हमले से सिपाही घायल हो गया। हालांकि इसके बाद उसने ड्राइवर को पकड़ लिया और अपने साथ नगर कोतवाली ले गया। वहां उसने ड्राइवर के खिलाफ तहरीर भी दी। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार की शुक्रवार शाम को एटा के हाथी गेट पर ड्यूटी लगाई गई थी। देर शाम एक ट्रक सिकोहाबाद रोड से शहर में अंदर जा रहा था। सिपाही ने चालक को रोका और नो एंट्री की बात कहते हुए अलीगंज तिराहा से बाईपास जाने को कहा। इस पर चालक नहीं माना और अंदर ले जाने लगा। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। ड्राइवर सिपाही पर लात घूंसे से बरसने लगा। सिपाही ने ड्राइवर को नीचे उतारा, उसके बाद भी वह नहीं माना, सिपाही पर हमला करता रहा। सिपाही ने भी बचाव में ड्राइवर को डंडे मारे। इसके बाद ड्राइवर को पकड़कर सिपाही कोतवाली नगर ले गया। उसने मामले में तहरीर दे दी है। जानकारी पर TSI वचान सिंह, दरोगा सतीश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और जानकारी है कि ड्राइवर नीनावली गांव का बताया जा रहा है। नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अरे आगे मत जाओ। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनी जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहे। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।